होम की रेसिपी चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ फिरनी, बहुत लोग इसको खीर भी बोलते हैं। फिरनी बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, जैसे 1 किलो दूध, 250 ग्राम चीनी, केसर वाला दूध, 2 अमूल पाउडर मिल्क पाउडर, 2 सोन पापड़ी, गार्निश करने के लिए ड्राई फ्रूट्स, और मैंने 1 कप चावल ले लिया है, उसको 2 घंटे मैं सोक करने के लिए रख दी थी, फिर उसको मैं दरदरा पीस ली हूँ। ये सारी चीज़ को मैं ले ली हूँ। फिर उसके बाद मैं एक बर्तन लूँगी, उसमें मैं दूध ऐड करूँगी। 1 लीटर दूध है, मैं 1 लीटर दूध की फिरनी बना रही हूँ। मैंने सारा 1 लीटर दूध बर्तन में ले लिया है। मैं पैकेट वाला दूध यूज़ कर रही हूँ, अमूल दूध। फिर इसको मैं हाई फ्लेम पे चढ़ा दूँगी बॉयल होने के लिए। जब तक मैं ये दूध बॉयल होता रहेगा, फिर मैं पैकेट वाला दूध ले लूँगी, 2 पैकेट अमूल पाउडर। मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो दूध थोड़ा सा थिक हो जाए, ये पाउडर वाला दूध ऐड करने से थोड़ा दूध थिक हो जाता है, तो मैं 2 पैकेट अमूल दूध ले लूँगी। दोनों का पैकेट का पाउडर निकाल के एक बॉल में ले लूँगी। बॉल में लेने के बाद मैं थोड़ा सा दूध और ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, डाइल्यूट कर दूँगी। अच्छे से बिल्कुल डाइल्यूट करना है, इसमें एक भी लम्स ना पड़े। अगर लम्स पड़ जाएगा तो ये खीर में जाने के बाद ख़राब हो जाएगा। मैं इसको दूध को मैं दूध जो डाइल्यूट की थी उसको मैं दूध में ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से चलाऊँगी, बिल्कुल अच्छे से चलाना है। बॉयल आने के बाद फ्लेम कम कर दें, वरना दूध ओवरफ्लो हो जाएगा। फ्लेम का आप ध्यान दें, फ्लेम बिल्कुल कम रहेगा। फिर मैं इसमें जो चावल ऐड करूँगी, 1 कप चावल है जो मैंने भिंगो के रखा था, थोड़ा दरदरा पीस लिया है। दो चम्मच केसर वाला दूध ऐड करूँगी। फिर इसको स्टर करना है अच्छे से। केसर वाला दूध थोड़ा कम लगा तो 1 चम्मच मैं फिर से ऐड कर दी। ऐड करने के बाद बिल्कुल इसको अच्छे से मिलाना है चारों तरफ से। इसमें स्टर करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना चावल जो इसमें डला हुआ है वो तो बैठ जाएगा नीचे, लग सकता है। फ्लेम कम करके बनाएं। फिर मैं 250 ग्राम चीनी ले ली है, उसको 250 ग्राम चीनी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मैं 1 लीटर दूध में 250 ग्राम चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मैंने 2 सोन पापड़ी ली थी, उसको मैं अच्छे से क्रश कर लूँगी। मैं सोन पापड़ी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि उससे फ्लेवर चेंज हो जाता है और थोड़ा सा थिक भी हो जाता है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोन पापड़ी डालेंगे तो थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा उसका। मैं तो यही बोलूँगी आप एक बार सोन पापड़ी वाली खीर बना के देखिए, बहुत अच्छा लगता है खाने में। फिर क्रश की हुई सोन पापड़ी मैं दूध में ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद मैं इसको जो है अच्छे से फिर से स्टर करूँगी। इसको स्टर करना बार बार मैं बोल रही, स्टर करना बहुत ज़रूरी है, फ्लेम को लो रखें। स्टर करने के बाद फिर मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स चॉप किए हुए थे वो ऐड कर दूँगी। ऐसे मैं स्टर करूँगी कि अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से बिल्कुल चारों तरफ से मिलाना है, अच्छे से मिल जाए। खीर मेरी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। फिर मैं इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर दूँगी। इलायची पाउडर ऐड करने से इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है, आप खीर में इलायची पाउडर ज़रूर डालें। इलायची पाउडर डालने से खीर एकदम खुशबू खुशबू महकने लगती है। अच्छे से मिलाने के बाद इसको रख दें, देखिए आप ठंडे होने के लिए रख दें। देखिए ठंडी होने के बाद खीर मेरी गाढ़ी हो चुकी है एकदम, आप देख सकते हैं। फिर इसको जो है एक बॉल में निकाल दें।
बहुत अच्छी लग रही है खीर, दिखने में भी, खाने में भी बहुत अच्छी, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। खीर मेरी बनके बिल्कुल तैयार है। ये देखिए खीर का मेरा फाइनल लुक है, बहुत अच्छी लग रही है खीर। आप भी इसको बना के ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा बना। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।